आपने वो कहावत सुनी है बचपन में, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलते हो कि यार ये कैसी कहावत है, ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जो पूरा खेत चुग जाती है। बट इस कहावत का मीनिंग समझो, इसका मीनिंग ये है कि जब सही टाइम पे सही चीज़ नहीं हो तो बाद में रेग्रेट होता है, बाद में पछतावा होता है। ऐसा ही कुछ मेरे एक व्यूअर के साथ हुआ जो रिसेंटली व्यूअर बना था। अगर वो पुराना व्यूअर या सब्सक्राइबर होता तो शायद ये सीन उसके साथ आज नहीं होता। बट उसने मेरी वीडियोस कुछ दिन पहले ही देखनी स्टार्ट करी एंड समहाउ उसको पता चला कि मैं 1-to-1 गाइडेंस भी देता हूँ, तो उसने मेरा टॉपमेट पे स्लॉट बुक किया और उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। जनरली मैं आधा घंटा बात करता हूँ क्योंकि आधे घंटे में बात हो जाती है, बट बंदे ने 20 मिनट्स तो अपनी सिचुएशन ही एक्सप्लेन करी। मैं आपको वो जल्दी जल्दी बता दूंगा, मैं इतना वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, बट ये वीडियो बहुत ही रॉ होने वाला है। मैं इसको फिल्टर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा जाती है, ठीक है, आप वो फैंसी फैंसी एडिटिंग करने लगता है, बट कंटेंट में जो दम नहीं होता, बट दिस इज 110% रियल कंटेंट। ओके, इस वीडियो से एज अ कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो प्रोबेबली ये सिनेरियो आपके साथ कभी ना कहीं हुआ होगा और आप इस सिचुएशन को रिलेट कर पाओगे। करूँ वीडियो स्टार्ट, चलो लेट्स डू। जय माता दी। बंदा बोलता है कि उसने मुझे अपनी पूरी जर्नी बताई। सर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, मैं फास्ट फास्ट बताऊंगा आपको कि सर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, उस स्कूल में पढ़ाई करता था, कोडिंग करता था, कोडिंग कब 11th 12th में जाके करी, और 11th 12th पे बेसिक्स जो अपनी स्टार्ट होती है तो वही मैंने, मुझे इंटरेस्ट आ गया थोड़ा थोड़ा, मैं करने लग गया। बट मुझे ये होता था कोई मुझे साथ बैठाए या पढ़ाए बैठ के तो मुझसे हो जाता था, बस वही कोई इंटरेस्ट आ गया था। गेम्स का खेलने का बड़ा शौक था, तो गेम्स खेलने से ऐसा हो गया कि यार ये चीज़ ना बड़ी एक्साइटिंग है, मैं ना इसी की इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, क्या पता शायद मैं इसमें ही कल को कोडिंग करने लग जाऊँ, मुझे मज़ा आ जाए। ठीक है, बंदे ने ऐसे करके इंजीनियरिंग चूज़ कर ली। और जब इंजीनियरिंग कर रहा था वही सेम दोस्त बने, यारी दोस्ती, लड़की बाजी, थोड़ा सा वो जो एक नॉर्मल लाइफ में होता है वैसा हुआ इसके साथ पे, ठीक है। बट चलो लकीली इसके साथ फ्रेंड्स अच्छे थे। जब फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आया तो समहाउ इसने एक वीडियो देख ली। वीडियो में क्या बोला था कि भाई डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम करने से जॉब लगती है, प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट करने से नहीं। अब ये प्रोबेबली कौन बोल सकता है, ये किसी बोला होगा किसी 21 या 22 साल के यूट्यूबर ने ये बात, और ये बात इसके जहन में चली गई। अभी इसने क्या किया, जब फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो इसको टास्क असाइन हुआ इसकी टीम के साथ AI ML के ऊपर हुआ, अब इसने उस बात को इतना सीरियस लिया नहीं। इसने बोला कि यार प्रोजेक्ट्स तो सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं, कॉपी पेस्ट तो मारना होता है, इसमें कौन सा बड़ी बात होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, अभी बंदे ने वही बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया। और मानो ना मानो इसने मुझे एक बात बताई कि सर मैं एक्चुअली होप छोड़ देता था कि मुझे एक्चुअली मेरे से शायद कोडिंग नहीं होगी, डिफिकल्ट है, मुझे पुश चाहिए, किक चाहिए। जब वो प्रोजेक्ट बना रहा था तो मेरे जो टीम था उनसे वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा था, एक बग आया था वो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा था। मैंने समहाउ पता नहीं कैसे, मुझे बोलता मुझे पता नहीं कैसे, बट वो बस मैंने मेहनत कर करके थोड़ा सा देख दूख के मेरे से वो हो गया और मुझे बड़ी खुशी मिली। और फिर मुझे ये मिला कि हाँ यार मैं अब इसमें IT में भी जॉब कर सकता हूँ। बट समहाउ मैंने एक और वीडियो भी देख ली, उसमें ये बोलता था कि भाई कोडिंग वीडियो में इज इट कोडिंग, कोडिंग इज रियली फॉर यू, चेक दिस आउट। ओके, और उसमें लिखा था एक वर्ड, उसने मुझे बताया सर कॉन्स्टेंट लर्निंग के बारे में लिखा था, जो मेरे से हो नहीं रही क्योंकि मुझे चाहिए होती है पुश, मुझे चाहिए होता है किक, या फिर मेरे साथ कोई बैठे मुझे कोई समझा दे तो मैं समझ जाता हूँ, बट मेरे से खुद से नहीं होता, जाके मैं खुद से करने लग जाऊँ वो मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, मेनली चीज़ क्या बोला इसने, इसके साथ थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो गई। ओके, वही बोलता ना जब देखो सब कुछ हार्डवर्क नहीं होता, कुछ लक भी चीज़ होती है। अभी मैं वीडियोस में समझा रहा था कि भाई 2021 में बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, सबको मिल रही हैं, ठीक है, हायरिंग भी अच्छी खासी हो रही है। 2022 में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया वो आया फ्रेशर को। अभी ये भी सेम इसके साथ हुआ, 2022 पास आउट, कॉग्निजेंट, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, बोलता आप किसी भी MNC का नाम लो, मेरे पास उनका फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर किया। पहले वाले मतलब मैं 2014 पास आउट हूँ, तब क्या होता था फर्स्ट राउंड जनरली एप्टीट्यूड का होता था, हमारे टाइम पे तो एक ईमेल राइटिंग भी होता था, बट फर्स्ट राउंड इज जनरली फॉर एप्टीट्यूड। बट अभी इन्होंने फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड और कोडिंग के क्वेश्चंस रखने स्टार्ट कर दिए, बोलता मैंने वो क्लियर कर दिया, बट मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आए। यही दिक्कत हो गई, मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पे शक होने लग गया कि यार मैं सच में मेरी जॉब लग जाएगी क्या, मैं जो मैं कर रहा हूँ मैं सच में कर लूँगा, IT में चला जाऊंगा, या फिर शायद IT मेरे लिए बना ही नहीं। बंदे ने सोचा कि यार छोड़ो यार, एक काम करते हैं गेट कर लेते हैं। गेट के लिए प्रिपरेशन किया बट मन नहीं लगा कि नहीं यार ये भी डिफिकल्ट है, इसके अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसमें भी पता निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये भी इसके अंदर एक इसको थोड़ा सा वो हो गया। तो फाइनली इसने क्या किया, अभी 2023 में चल रहा है, इसने 3 महीने पहले NeoG Camp, NEOGCAMP
इसका कोई 6 मंथ्स का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ये बोलते हैं कि भाई हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टेस्ट लेते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, मैं कोई इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे उसने बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, क्योंकि दिस इज चीपर एज कम्पेयर टू अदर थिंग, बट डू इट एट ऑन योर ओन रिस्क, अपना एनालिसिस कर लेना। इसके बोलते मुझे खासियत क्या लगेगी कि इसके अंदर पहले आपको एक उनका एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स दे विल लाइक टेक एडमिशन, क्योंकि इसको पे आफ्टर प्लेसमेंट्स और बहुत जॉब जो भी थे ना, इसको उनके बारे में इसने थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक पढ़ लिया था, तो इसके मन में वो बैठ गया कि भाई वो मेरी सैलरी खा लेंगे, अगर जॉब नहीं लगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब कर देंगे, इसको लगा, ठीक है। तो इसने ये ज्वाइन कर लिया, इसके अंदर 6 मंथ्स का कोर्स, इसके अंदर ये क्या करते थे कि आपको बोलते थे अगर आपकी जॉब लगती है, पहली बात ये प्लेसमेंट असिस्टेंस देते थे, गारंटी नहीं, ये हेल्प करते थे बस एक रेफरेंस दिलाने में कि यहाँ पे ऑफ कैंपस जॉब निकली है, यहाँ पे निकली है, आप अप्लाई कर दो, जो मैं जनरली बताते ही हूँ कि यार मेरी अपना जो यार सिंपल है, टेलीग्राम इज़ द बेस्ट फॉर दिस, सिंपल है, मेरे पास कोई आता ना मैं यही बोलता हूँ, वेबसाइट पर जाने के लिए ना कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पर जॉब्स डेली अपडेट्स आते रहते, वही फॉलो करो, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर उसकी प्लेसमेंट लग जाती है उनकी हेल्प से, तो इसको उनको 30 या 40,000 के बीच में कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, जिसने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है चलेगा, ठीक है। फिर अब ये जो ट्रेनिंग चल रही थी, ओके, अभी देखो 2022 चला गया, 2023 आ गया मई, और अभी भी इसको डाउट है कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं, जो वही बोल रहा ना, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हुआ, जो इसके कलीग्स थे अब वो बहुत कोडिंग में ऐसे लगे, फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, एक्चुअली ये करवा तो फुल स्टैक का कोर्स रहते, बट अभी फ्रंट एंड HTML CSS JavaScript एंड डायरेक्ट, ओके, बैक एंड अभी स्टार्ट करा नहीं है। तो इसने बोला कि जो मेरे साथ के क्लिक थे ना, वो बहुत तेज हाथ चलता है, उनको मैं बोलते हैं हमको तो बड़ा मजा आ रहा है यार, हमने रात को ये रिसर्च किया, ये कर लिया, ये कर लिया, वो ढूंढ लिया, आज हमने ये नया डिज़ाइन बना दिया, वो बना दिया, फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, मैं आपको एक बात टिप दे देता हूँ इसी यही वीडियो चलते चलते, अगर किसी को इम्प्रेस करना है, क्लाइंट को या अपने मैनेजर को या टीम में से अपना कुछ करना है, तो इफ़ यू आर वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, डू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, टू डू ऐप सब बना लेते हैं, जो उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है ना, ब्यूटीफुल DND, वो अप्लाई करो, उससे थोड़ा सा और इंप्रेशन जाता है। अब जब डेली या स्क्रम कॉल या कुछ भी चल रहा था, आप बता सकते हैं कि आज मेरे टुडेज टास्क दिस एंड दिस टास्क इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द डे, जो भी आपकी शाम की कॉल रहेगी उसमें ऐसा दिखा सकते हैं, विजुअली सामने वाला इंप्रेस हो जाता है। तो यही मुझे बोला कि सर मुझे ना किक नहीं मिल रही, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ होगा नहीं है सब। मैंने बोला भाई तो फ्रंट एंड में काम कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो इतना कुछ एक्साइटिंग होता है डेली कि हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। अभी डेली सीखने के लिए ये जो बोल रहा था कि भाई वो लोग फटफट कर देते हैं, फटफट लोग कैसे कर देते हैं बताओ, आप बताओ, अगर आपने तो दुनिया देखी यार, आप कौन सा बच्चे हो, कोई भी इंसान किसको ये काम कर रहा है वो फटफट कैसे कर लेता है, फास्ट फास्ट प्रैक्टिस। डेली कोई ऐसे लिखता रहता तो अपने आप एक स्टेज आती है ना, जब वो बिना देखे ऐसे सिर्फ मॉनिटर पे ऐसे ऐसे लिखता है, ऐसे 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 करता है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी इसके मन में सिर्फ ये फियर है कि मेरा आगे होगा क्या, क्या IT, हाँ इसके मन में एक बेस्ट क्वेश्चन आया दिमाग में कि IT में लोग क्यों जाते हैं, पैसे के लिए? मैं बताऊँ, IT में फर्स्ट ऑफ ऑल IT में सबसे पहले लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि यही एक सेक्टर है जहाँ पर जल्दी जॉब लग जाती है, जल्दी पैसा तो आ ही जाएगा पैशन के साथ, मेहनत के साथ, क्योंकि TCS में मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ सबको, 70-80% लोग नॉर्मली सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट करते हैं, और कितने पैकेज से करते हैं, 3-3.5 से लेके BCA, या उनकी बात नहीं कर रहा BSc वाले, वो 2-2.5 से करते हैं प्लीज़ ओके, इस बात का भी पतंगड़ मत बना देना, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल। एक जनरल डेवलपर, नॉर्मल डेवलपर, Tier 3 वाला एग्जाम्पल, 3-5 लाख के बीच में स्टार्ट करता है एज अ फ्रेशर। मतलब क्या हुआ, मैं कहना चाहता हूँ सारे लोग ऑलमोस्ट सेम पैकेज से ही स्टार्ट करते हैं, बट 5 साल बाद सबके पैकेज अलग अलग होते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जो बंदा नॉन IT बैकग्राउंड से था, BA से था, फुल स्टैक डेवलपर है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, उसका पैकेज मेरे से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं मुझे खुशी है, जेलसी हो रही है सब, नहीं नहीं नहीं, मैंने गाइडेंस दी है, मुझे पता मैंने गलतियां करी थी, मुझे किसी ने बताई नहीं ना, मेरे टाइम पे इतना यूट्यूब पॉपुलर नहीं था, तो मैंने उसको गाइडेंस दे दी भाई ले, उसके पास 3 ऑफर लेटर है, ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट अभी पता नहीं एडिटिंग में डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा, बट इट्स ट्रू, नगैरो EPAM एंड एक और कंपनी का था, ऐप इन्वेंटिव, ओके, बहुत अच्छा पैकेज दिया, उसके साथ भी पॉडकास्ट है, नेक्स्ट पॉडकास्ट भी बना दूंगा। उसने अपनी स्ट्रगल बताया कैसे उसको इतना डिफिकल्ट लगा नॉन IT बैकग्राउंड से होकर एक IT में आने के लिए। अगर आपका भी सेम कैसा वीडियो देख सकते हो, नहीं तो इट्स टोटली फाइन। तो मैं वही बोल रहा था, एक फ्रेशर जो होता है ना, स्टार्ट सब सेम पैकेज से करते हैं, 5 साल बाद जमीन आसमान का फ़र्क होता है,
और आगे कौन निकलता है, जिसके अंदर पैशन होता है, कीड़ा होता है कि हाँ मैं आज कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं आगे कुछ करके दिखाऊंगा। जो सीखता रहता है उसी का ही ग्रोथ होता है, ऑटोमेटिकली पैसा आ गया। तो सारे के सारे लोग पैसे से नहीं जाते। हाँ वो मैं मानता हूँ एक केस आता है जब हमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो थंबनेल में टाइटल डालते थे 40 लाख 50 लाख, क्या पैदा होते ही उनका पैकेज लगा है क्या? नहीं ना। वो बोलता है कि सर वो न्यूज़ में आया था कि इस बच्चे का 1 करोड़ का पैकेज लग गया। ठीक है भाई, वो एक ही कहीं लगा है सबका लग, सबका थोड़ी लगा है। और एक चीज़ नोटिस करोगे, मैक्सिमम जो टीयर वन वाले कॉलेजेस वाले बच्चे होते हैं, मैंने ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने ऑब्जर्व किया, जो टीयर वन वाले बच्चे होते हैं ना, इनसे मैक्सिमम लोगों से ना जॉब नहीं हो पाती। पूछो क्यों? ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस मैटर कर सकता पर्सन टू पर्सन, ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्यों? जो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग, उनके अंदर एक होता है कीड़ा कुछ करने का, डिफरेंट तरंगी करने का, रिस्क लेने का, क्योंकि फैमिली प्रेशर ऐसा कुछ होता नहीं है ना, वो उनको फैमिली स्टेबल होती है, उनको तो भाई तुम अपना पैशन फॉलो करो। वो जाते हैं, उनको लगता है यार कंपनी में मैं स्लेवरी कर रहा हूँ यार, नहीं होगी जॉब यार 9 से 6 वाली, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकले भी थे पहले वाले भी, आईआईटी आईएम से ही निकलते, क्योंकि वो बोलते हैं हमसे जॉब नहीं होगी, हम ये करेंगे। क्योंकि जब वो जॉब करते हैं ना, तो उनका ही फ्रस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा आता है। अभी वो अमेजन में जॉब कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मॉर्गन स्टैनली, बड़ी बड़ी कंपनीज में। वापस टीसीएस में तो आने से रहा, क्योंकि पैकेज ही मैच नहीं होगा। अभी तुम क्या सोचते हो कि ये प्रोडक्ट इस कंपनीज में फुल डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं भाई, 70% जो R&D है, R&D फॉरेन कंट्रीज में काम होता है, जनरली USA, इंडिया में उनका एज अ सपोर्ट होता है या फिर एनहांसमेंट्स होता है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक TCS और एक Amazon सेम ही एम्प्लॉई जो रहता है वो सेम काम करता है, नहीं, थोड़ा सा तो फर्क रहता है, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल। अभी जो बंदा Amazon से Microsoft गया, उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आया था, यार मैं इधर भी सपोर्ट था, इधर भी सपोर्ट आ गया, मुझे मजा किक नहीं आ रही जिंदगी, मैं कुछ और करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने YouTube चैनल भी स्टार्ट किया कोविड के टाइम पे, उनको ज़्यादा इनकम आ रही है जॉब से, बट वो कर रहे हैं दोनों, क्योंकि वो उधर स्टेबल है उनका जॉब, उनको पता है भाई इधर से आ रही है 1.5 लाख रुपए शांति से, कोई बात नहीं, इधर तो 3 लाख 4 लाख बन रहा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट जो TCS से एक Amazon में जाता है, Microsoft में जाता है, उसको पता है यहाँ पे सपोर्ट था, वो यहाँ से फ्रस्ट्रेटेड होकर निकलता है कि यार मैं एक बड़ी कंपनी में जाऊँगा, है ना, मेरा पैकेज बड़ा होगा, ठीक है होगा। अभी जो छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में गया, अगर यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे भी सपोर्ट मिल गया, बताओ वो फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं होगा? क्या वो फ्रस्ट्रेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा बॉस। क्यों? उसको बोलेगा मैं पहले भी सपोर्ट कर रहा था, अभी सपोर्ट कर रहा है, बट फर्क कहाँ आया? सैलरी में। जहाँ पे पहले 30,000 आ रही थी, अभी वहाँ पे 1.5-2 लाख आ रही है, और बोनस, इंसेंटिव्स और अलग मजे अलग। तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कौन होते हैं? टीयर वन वाले ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, टीयर थ्री वाले कम फ्रस्ट्रेट होते हैं। बट इसका फ्रस्ट्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ इसके हालातों ने इसको सही साथ नहीं दिया, या फिर ये मार्केट के साथ अवेयर नहीं था। मैक्सिमम इसके जो 22 पास आउट वाले, जो बैच आउट वाले बच्चे थे, मैक्सिमम लोगों की जॉब लग गई थी, तो इसको ऐसे ही लग रहा था कि क्या मैंने शायद गलत फील्ड चूज कर लिया 4 ईयर इंजीनियरिंग करने के बाद भी। तो बोल रहा था मुझे एंग्जाइटी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने भाई एक सिंपल सी बात बोली, भाई तू 75% तक ऑलमोस्ट सही ट्रैक पे है, तूने मेरी वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि पिछले साल विप्रो ने भी 22 पास आउट वाले बच्चों को बोल दिया कि भाई 6.5 का पैकेज दिया था तुमको टर्बो वालों को, अभी तुमको 3.5 दे रहे हैं, ज्वाइन करना करो नहीं तो मत करो, बोला ना। तो मतलब तुम अवेयर नहीं थे मार्केट के साथ, अदरवाइज तुम मेहनत कर रहे थे पर तुम अवेयर नहीं थे। इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेशर जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है तुम्हारा जो फेज़ होता है ना, बहुत खतरनाक है। मतलब तुम्हारी एक्चुअली कोई हेल्प नहीं करेगा, तुमको हेल्प करने वाले लगेंगे बहुत कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, बट करेंगे नहीं। फ्रेशर के केस में ना कोई रेफरल का जुगाड़ लगता है, ना ही नेटवर्क का जुगाड़ लगता है। तुम ऑफ कैंपस कितना एक्सपीरियंस, और फ्रेशर दोनों ऑफ कैंपस ही भागते हैं, बट तुम्हारे भागने में और एक एक्सपीरियंस के भागने में ज़्यादा फर्क होता है। मैं बोलता हूँ ना, कंपनी एक फ्रेशर के ऊपर इन्वेस्ट करती है, उसका कोई ROI एक्सपेक्ट नहीं करती, बट वो एक्सपीरियंस बंदे से ROI बहुत एक्सपेक्ट करती है, और क्लाइंट उसकी तीन तीन गुना बिलिंग करता है, समझ? इसलिए फ्रेशर लेवल पे बहुत कुछ देखना पड़ता है आपको, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का सोचना पड़ता है आपको। जैसे वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट वाज योर लास्ट प्रोजेक्ट, एंड फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा टेक्निकल क्वेश्चंस, थोड़े से वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बोलोगे या जिसका प्रोजेक्ट बनाया होगा लैंग्वेज पे, और लास्ट में वेयर डू यू सी आफ्टर 5 ईयर्स, जिसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट बोलना, और फिर उसके बाद डू यू वॉन्ट टू रेलोकेट, नो बोलना, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर हायर स्टडीज, नो बोलना। बट ये जो फालतू के क्वेश्चंस हैं, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, फलाना ढिकाना, ये सब एक्सपीरियंस के केस में आते ही नहीं।
सी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लास्ट प्रोजेक्ट, टेक्निकल क्वेश्चंस, वर्कड ऑन वाटरफॉल मॉडल और जाइल मॉडल, खत्म। फ्रेशर के लिए जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट है, आपको सीवी के ऊपर भी बहुत फोकस करना पड़ता है, आपको पता ही नहीं चलता मैं लिखूं तो लिखूं क्या। मैंने थोड़ा सा पाइथन पढ़ लिया था, थोड़ा सा जावा पढ़ लिया था, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया था, समझ नहीं आ रहा है, दिमाग का वो हो गया, भरोसा हो गया कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। एटलीस्ट एक्सपीरियंस को इतना तो पता है कि भाई मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, मैं जावा ही लिखूंगा, स्प्रिंग बूट लिखूंगा, माइक्रो सर्विस लिखेंगे, इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं, समझ रहे हो। तो बहुत दिक्कत होती है, तो मैं वो समझ सकता हूँ, एग्जाइटी होती है, ओके, बट सही टाइम आने पे सही इंसान से अगर आप गाइडेंस ले लोगे, मैं एक सच बताऊँ, एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए यूट्यूबर, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सिर्फ फियर बेचते हैं, और जो फियर बेच भी रहे ना, वो जनरली फ्रेशर है, वो जनरली फ्रेशर हैं, ओके। अभी मैं इसके ऊपर बोलने गया तो कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, बट आई एम जस्ट वॉन्ट टू से चूज योर मेंटर वाइजली, अदरवाइज यू विल ओनली सफर, उनका कुछ नहीं जाएगा, दे विल अर्न इन लैक्स, तुम वो अर्न लैक्स में कर लेंगे और तुम्हारी लाख की नौकरी भी नहीं लगेगी, ठीक है जी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में मेरा वो वादा था कि जिस लड़के के साथ पॉलिटिक्स हुई थी, वो डिजिटल वाला, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ओके। जॉब्स लगती हैं, जॉब्स तो यार सबकी लगी जानी है, इसमें कुछ वो तो है नहीं बताने वाली वीडियो, मैं यही बोलता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, लोग जो नॉर्मल एक इंसान फेस कर रहा है, जो हर एक लाइफ में हो रहा है, उससे हमको कैसे बाहर निकलना है, वो इंपॉर्टेंट है, मेरा वो मेरा फ़र्ज़ है बताना, वही मैं बताऊंगा। और एज अ 10 डेज चैलेंज, ऐसे वीडियोस कंटिन्यूस मिलेंगी आपको अनफिल्टर्ड, क्योंकि मेरे पास नहीं है टाइम एडिट करने का, और मेरा एडिटर नहीं बोलता कि भाई आप मुझे वीडियो दे दो, मैं आपको 10 दिन बाद दूंगा, ऐसा बोलता है, तो भाई वो बोलता है मैं एक दिन में नहीं दे सकता, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, बट आपको कंटेंट रॉ मिलेगा। चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे एक एक मिनट की न्यूज़ देता रहूँगा, ठीक है। चलता हूँ, दुआ में याद रखना, और बाकी की वीडियोस देखते जाना, रिलेटेड टू नोटिस पीरियड, सैलरी नेगोशिएशन, मल्टीपल जॉब ऑफर्स, लाइक हाउ टू हैंडल प्रेशर एंड ऑफिस एटिकेट्स एंड फाइनेंशियल, माई एक्सपीरियंसिस, और कॉलेज के बच्चों के पॉडकास्ट, टेक्निकल पॉडकास्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी बात करी है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, देख लेना, ठीक है। चलो, चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बाय बाय।